आज हमारे पास ये फ़ोन आया है ओप्पोस। यहाँ पर इसका जो है मॉडल आप देख सकते हैं A33F, ठीक है फ्रेंड। तो ओप्पो 33F ये मॉडल है और इसके अंदर जो प्रॉब्लम है वो IMEI का प्रॉब्लम है। इसके अंदर जो है सिम कार्ड काम नहीं कर रहा, ठीक है। तो इसका जो IMEI है वो पूरा नूल है। यहाँ पर मैं आपको पहले दिखा देता हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो IMEI नंबर है, आज इस वीडियो में हम इसको रिपेयर करने वाले हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसके अंदर जो सिम कार्ड का जो नेटवर्क होता है वो नहीं आ रहा है, देखते हैं IMEI इसका जो है न्यू है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में यही जानेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने बताया कि इसके अंदर जो है IMEI नंबर उड़ा हुआ, इसका मॉडल भी मैंने आपको दिखा दिया था, ओप्पो A33F। यहाँ पर इसका मॉडल आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको मॉडल दिख रहा होगा, ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड मैं बताना चाहूँगा, काफ़ी दिन से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था, कुछ काम था, कुछ काम में फंसा हुआ था, इसलिए मैं काफ़ी दिन से वीडियो जो है कोई भी अपलोड नहीं कर रहा था, ठीक है। तो मैं इंशाल्लाह आपसे कोशिश करूँगा कि आपको रोज़ एक एक वीडियो देने का, ठीक है फ्रेंड। तो इसके अंदर जो प्रॉब्लम है IMEI नंबर उड़ा हुआ है, तो उसको पहले मैं आपको चेक करा देता हूँ यहाँ पर फिर से एक बार। यहाँ पर जो है इसका IMEI, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर इसका जो IMEI है वो नील, मतलब जो है उड़ चुका, इनवैलिड है, यहाँ पे नील दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद यहाँ पर आपको टाइप करना है *801#, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। तो फ्रेंड यहाँ पर आपको जो है फुल पोर्ट स्विच जो है यहाँ पर आपको ऑन कर देना, ठीक है। ये ऑफ रहेगा, ठीक है, जैसे सारा का सारा ऑफ है। यहाँ पर मैं इसको ऑफ़ कर देता हूँ, फिर से आपको इसको जो है ऑन कर लेना, ठीक है। ऑन करने के बाद आपको पूरा बैक चले जाना, उसके बाद आपको चले जाना है सेटिंग में, ठीक है। सेटिंग में जाने के बाद आपको चला जाना है अबाउट फोन में, यहाँ पर अबाउट फोन दिख रहा है, इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको मिल जाएगा यहाँ पर ही बिल्ड नंबर, इस पर जो है आपको 5 से 6 बार क्लिक करना है, उसके बाद आपका जो डेवलपर ऑप्शन है वो बाहर आ जाएगा। तो मेरा ये आ चुका है, ठीक है। तो मैं ऑलरेडी पहले से किया हुआ था, इसको आपको बैक कर देना है। बैक करने के बाद नीचे में मोर का ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं यहाँ पर डेवलपर ऑप्शन ओपन हो जाएगा, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद USB डबिंग को आपको ऑन कर देना है, ये ऑफ रहता है, इसको यहाँ से आपको जो है ऑन कर देना, ठीक है। तो ऑन करने के बाद सिंपली इसको पूरा बैक कर देना, ठीक है। यहाँ से बैक मैं कर देता हूँ। बैक करने के बाद ये जो फ्रेंड मैं जो इसको जो रिपेयर करने वाला हूँ IMEI को, मैं चेंज नहीं करने वाला हूँ, मैं रिपेयर करने वाला हूँ। इसका जो IMEI नंबर पीछे में लिखा हुआ है इसी को मैं इस पर दोबारा चढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। तो आज मैं इसको विदाउट बॉक्स नहीं कर रहा हूँ, UMT डोंगल से कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ही देख सकते हैं हमारा जो UMT डोंगल है यहाँ पर ही लगा हुआ है, ये हमारा PC है, ठीक है। तो यहाँ पर ही आप PC देख सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, ये तो पहले सबसे पहले कंडीशन आपको फ़ोन पे कर लेना है। फ़ोन पे करने के बाद आपको यहाँ पर देख सकते हैं अल्टीमेट टूल यहाँ पर ही आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो आपको जो है फ्रेंड मैं बता दूँ कि आप इंडियन वाला अल्टीमेट मल्टी टूल जो अगर ओपन करते हैं तो आपको जो IMEI का ऑप्शन है वो नहीं आएगा, ठीक है। तो आपको जो है इंटरनेशनल वाला को अल्टीमेट मल्टी टूल जो है इंटरनेशनल वाला आपको डाउनलोड करना है। दो वर्जन होता है, एक इंडियन और एक इंटरनेशनल, ठीक है। तो आपको इंटरनेशनल वाला ऑन करना है, तभी जाके आपको IMEI का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरा UMT डोंगल लगा हुआ है, यहाँ पर मैंने इसको डबल क्लिक कर दिया है। क्लिक करने के बाद ये अभी ओपन हो जाएगा, उसके बाद हम देख लेंगे इसका जो IMEI जो है उसको हम कैसे रिपेयर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो टर्म ऑफ कंडीशन आ चुका है, तो यहाँ पर सिंपली हमको यहाँ पर जो है एक्सेप्ट पे क्लिक कर देता हूँ, उसके बाद सिंपली यहाँ पर जो है ओके कर देता हूँ, ठीक है। जैसे हम ओके करेंगे तो अभी जो है हमारा जो अल्टीमेट मल्टी टूल है वो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ रहा है एप्लीकेशन इज़ रेडी रनिंग, ठीक है। तो ये जो है रनिंग बता रहा है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। इसका जो वर्जन है 5.2 है, ठीक है। देख सकते हैं आप, ये UMT डोंगल है, विदाउट बॉक्स मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ही आपको ओप्पो का ऑप्शन दिख रहा है, तो सिंपली आपको यहाँ पर ओप्पो पे चले जाना है। ओप्पो पे जाने के बाद यहाँ पर देखते हैं IMEI का ऑप्शन आपको मिल गया है। अगर इंडियन वर्जन रहता तो ये जो ऑप्शन है आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद सिंपली क्या करना है, यहाँ पर मॉडल है तो इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर जो आपका मॉडल है A33F, मैं इसको क्या करता हूँ ओके कर लेता हूँ। ओके करने के बाद इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पर जो इसको टिक कर देना, उसके बाद फिर से इसको टिक कर देना, ठीक है। इसको टिक करने के बाद आप मेरा जो फ़ोन है मैं जो हूँ उसको अभी इसको फ़ोन से कनेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। कंप्यूटर से अपने PC से कनेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो फ्रेंड यहाँ पर जो है, तो फ्रेंड पहले आप दोनों को, ये दोनों को आपको टिक कर देना, उसके बाद आपका जो फ़ोन है जो इसमें IMEI नंबर इनवैलिड है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं फिर से आपको एक बार इनवैलिड दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देखते हैं मेरा IMEI नंबर जो इसके अंदर का नील हो चुका है, मतलब उड़ चुका है, तो ओके कर देते हैं। उसके बाद आप अपने PC से जो है अपने जो मोबाइल को जो है कनेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। तो फ्रेंड यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर कनेक्ट करने के बाद यहाँ पर ही अलाउ का ऑप्शन आ रहा, तो यहाँ पर मैं ओके कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर ही ओके करने के बाद जो है आपका जो है सेटअप है, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं यहाँ पर ही स्कैन का ऑप्शन दिख रहा है, तो सिंपली आपको इसको स्कैन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर स्कैन पर क्लिक करना, अभी भी कुछ नहीं आया, फिर से आपको स्कैन पर क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड अभी भी कुछ नहीं आ रहा, ठीक है। तो उसके बाद क्या करना, फिर से आपको यहाँ पर *#
801 एस पे क्लिक करना। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं जो फुल स्विच पोर्ट जो है वो अभी ऑफ हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ, देखते हैं यहाँ पर जो फुल पोर्ट स्विच है वो ऑफ है, तो फिर से मैं इसको ऑन कर देता हूँ, ठीक है। ऑन करने के बाद जो है यहाँ पर फिर से अलाउ का ऑप्शन आ जाएगा, आपको ओके कर देना, ठीक है। ओके करने के बाद यहाँ पर आपका जो जो पीसी है हमारा, फिर से हम यहाँ पर स्कैन पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं अभी साइड में जो है स्कैन करने के बाद यहाँ पर ये ऑप्शन आ चुका है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो तीर वाला निशान से क्लिक करता हूँ, यहाँ पर जो है आपको डायग्नोस्टिक जो यहाँ पर जो है सिंपली आपको दिख रहा है बीच वाला जो है कॉम 55, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर क्लिक कर देने के बाद आपको यहाँ पर जो आपका जो आई में है जिसको आप रिपेयर करना चाहते हैं इस फ़ोन के अंदर का, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पर मैंने उसको जो लिखा हुआ है तो यहाँ पर मैं इसको साइड कर लेता हूँ, तो यहाँ पर ये आई में है तो इसको मैं क्या करता हूँ यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। इसमें पे क्लिक करता हूँ और ये जो है इसको मैं कॉपी यहाँ से कर लेता हूँ, यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ जो है वन पे जो है मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, तो फ्रेंड यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद ये हो गया वन, उसके बाद दूसरे वाले को जो है मैं इसको भी पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो इसको मैं पहले इसका भी आई एम नंबर को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं इसको भी जो है यहाँ से कॉपी कर लिया, उसके बाद यहाँ पर जो दूसरे नंबर पर जो है हमको इसको पेस्ट कर देना, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर आपका जो फ़ोन है वो आपके जो है पीसी से लगा हुआ रहेगा। यहाँ पर देख सकते हैं मेरा जो फ़ोन है वो पीसी से लगा हुआ है, यहाँ पर आपको मेरा फ़ोन दिख रहा होगा, ठीक है। मगर ये यूएमटी डोंगल से कर रहा हूँ, यहाँ पर यूएमटी डोंगल देख पा रहे होंगे आप, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद देखिए यहाँ पर इस तरीके का आ जाएगा। उसके बाद सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर जो रिपेयर का ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक कर देना, ठीक है। जैसे आप इस पर रिपेयर के ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे तो आपके सामने यहाँ पर एक प्रोसेस चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो आई में है वो रिपेयरिंग कर रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं रिपेयर कर रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा आपको वेट कर लेना, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे हमारा जो लोगो सेव लोगो, यहाँ पर देखते हैं फ्रेंड, यहाँ पर लिखा हुआ आ चुका है ऑपरेशन फिनिश, ठीक है। मतलब मेरा जो आई में है वो अभी चढ़ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करते हैं हम इस फ़ोन के इसको क्या करते हैं अभी, तो अभी यहाँ से पूरा बैग चले जाते हैं। बैग जाने के बाद यहाँ से मैं फिर से एक बार चेक कर लेता हूँ हमारा जो आई में है वो रिपेयर हुआ या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा काट देता हूँ, मैं इसको एक बार इसको पूरा काट देता हूँ। यहाँ से फिर से मैं जो है अपना जो आई में है वो चेक कर लेता हूँ। तो फ्रेंड पूरा इसको आपको काट देना है, काटने के बाद भी स्टार है 06 लिख देना। तो यहाँ पर देखते हैं अभी भी ये नील बता रहा है, ठीक है। इसको ओके कर देना, उसके बाद अपने फ़ोन को आपको रीस्टार्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अपने फ़ोन को रीस्टार्ट कर देता हूँ। तो रीस्टार्ट करने के बाद फिर मेरा हमारा जो फ़ोन है वो अभी रीस्टार्ट हो चुका है, अभी ऑन होने का हम वेट कर लेते हैं। वेट करने के बाद देख लेंगे हमारा जो आई एम आई का प्रॉब्लम था वो सॉल्व होता है या नहीं होता है, ठीक है। तो फ्रेंड आप इसी तरीके से इसका जो आई एम आई वो रिपेयर कर सकते हो। तो यहाँ पर अभी हमारा फ़ोन चालू होता है, चालू करने के बाद हम देख लेंगे हमारा जो आई एम आई का प्रॉब्लम था आपको जो रिपेयर हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। तो आपको इसी तरीके से सेटअप बाई सेटअप करना है, ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड मैं काफ़ी दिन से वीडियो नहीं अपलोड कर रहा था, कुछ काम में बिजी था, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आपको रोज़ का एक नए वीडियो देने का कोशिश करूँगा फ्रेंड, ठीक है। तो अभी हम पहले चेक कर लेते हैं हमारा जो आई में है वो चढ़ा के नहीं, तो सिंपली लॉक खोल देते हैं। लॉक खोलने के बाद फिर से हम यहाँ पर स्टार्ट है 06 स्टार्ट। तो फ्रेंड सिंपली यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो आई में है वो यहाँ पर चढ़ चुका है, ठीक है फ्रेंड। तो दोस्तों यहाँ पर देखते हैं कितना सिंपल है, एक क्लिक में जो है मेरा जो आई में है वो चढ़ चुका है। तो फ्रेंड अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप मोनू मोबाइल रिपेयरिंग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन आ जाएगा उसको जरूर से प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड मैं एक और बात बताना चाहूँगा आपको, अभी आप भी अगर पेटीएम कैश पैसा वगैरह कुछ अगर कमाना चाहते हैं ऑनलाइन, तो मेरे दूसरे चैनल के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पर दे दूँगा, वहाँ पर आप चैनल को जाकर देख सकते हैं कि किस तरीके से काम करना रहता है, किस तरीके से पैसा को कमाना रहता है, ठीक है फ्रेंड। तो आप देखते हैं यहाँ पर जो मेरा जो आई एम आई है वो पूरा का पूरा रेडी हो चुका है, पूरा ओके हो चुका है। यहाँ पर वही मॉडल है ओप्पो A33F, ठीक है फ्रेंड। यहाँ पर इसका मॉडल आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, अगर अभी तक आपने मोनू मोबाइल रिपेयरिंग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इतना ही, टेक केयर, बाय बाय।